खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार स्टेशन रोड ऑफिसर हॉस्टल के बगल में सिविल लाइन ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट शाही रोड सावरकर चौक ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बांसी ललितपुर। ललितपुर जिले के प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बभेले के जन्मदिन पर प्रेस क्लब में आयोजित सभी पत्रकारों ने उनका जन्मदिन बड़ी उत्साह पूर्वक मनाया और ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना की। इस दौरान जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकार मौके पर मौजूद रहे, सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। ललितपुर शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित सेवा पत्रवाड़ा के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का बड़ी संख्या में किया अवलोकन, जिसमें जीआईसी में दूसरे दिन हजारों छात्र छात्राओं ने देखी मोदी व्यक्तित्व पर लगी प्रदर्शनी। छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन को देखकर अब 20 सितंबर तक लगी रहेगी प्रदर्शनी। क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा द्वारा आज ललितपुर जिले के तालवेट ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मियाब में मेजर ध्यानचंद खेल मैदान और वीरांगना लक्ष्मीबाई अमृत सरोवर का भूमि पूजन कर शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान ग्राम पंचायत खांदी के मजरा शाहपुर में स्वर्गीय श्री राम रतन अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण किया गया। ललितपुर के जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को लेकर हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, जिसमें सचिव जिला विधिक प्राधिकरण सुश्री विनीता सिंह ने कारागार का भ्रमण कर महिला बैरक, अस्पताल बैरक, बाल बैरक तथा पाकशाला का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने जेल में निरुद्ध बंदियों की समस्याएं सुनी। इस निरीक्षण के दौरान कारागार में सभी स्थानों पर स्थिति संतोषजनक पाई गई तथा महिला बैरक की महिला बंदियों द्वारा बनाए और बुने गए कपड़ों को सचिव महोदया द्वारा देखा गया तथा उनको आगे इसी तरह के कार्य किए जाने हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक लाल रत्नाकर सिंह, उप कारापाल श्रीमती रामसिया और कारागार स्टाफ के अन्य कर्मी मौजूद रहे। ललितपुर तहसील सभागार में हिंदी सप्ताह के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम तहसील स्तरीय विधिक साक्षरता समिति के तत्वाधान में श्याम मणि त्रिपाठी सचिव विधिक साक्षरता समिति की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अब देखिए खबरें मध्य प्रदेश के। जिला टीकमगढ़ से ललितपुर लाइव टीवी के लिए टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष के घर पर पत्थर फेंकने वाली महिला लापता बेटी की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज। पलेरा थाने के टीआई मुकेश शाके ने कहा कि महिला की तलाश के लिए टीम गठित और बहुत जल्द लापता महिला की बरामदगी की बात कही। टीकमगढ़ जिले के ग्राम मुहारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षण संस्था में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रमुख श्री डी आर अहिरवार द्वारा की गई, जिस कार्यक्रम का संचालन श्री वेद प्रकाश बुंदेला द्वारा किया गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर 51,000 पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर टीकमगढ़ को सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि प्रदेश में पिछले 11 वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का रिजल्ट भी पीईबी द्वारा जारी किया जा चुका है, लेकिन विभाग द्वारा पदों का भर्ती विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया तथा कई प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन है तथा विभिन्न विद्यालयों में सिर्फ एक ही शिक्षक है। स्कूली शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1,25,000 प्राथमिक शिक्षकों के पद मध्य प्रदेश में खाली है। टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटिक शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अमित
नुराने की, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी और वरिष्ठ पत्रकार यशोवर्धन नायक उपस्थित रहे। समाज और देश की जो जिम्मेवारी जवाबदेही हमको दी है, ये जवाबदेहियां पूरा करने का काम जिम्मेदारी। बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। कुछ समय पूर्व जहां ग्रामीण स्तर में बच्चों में शिक्षा का स्तर शहर की अपेक्षा कम देखा जाता था, लेकिन आज के परिवेश में ग्रामीण स्तर के बच्चे शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहां तक कि बच्चे अपने नियत समय पर स्कूल पहुँच जाते हैं, लेकिन शिक्षक समय पर नहीं आते। जब हमारी टीम शासकीय प्राथमिक शाला हनुमान सागर स्कूल पर पहुँची, देखा गया स्कूल का मेन गेट बंद होने के बाद स्कूली बच्चे गेट नाक कर स्कूल जा रहे हैं और कुछ बच्चे स्कूल के कमरों में झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि स्कूल में क्लासरूम में बारी बारी से झाड़ू लगाते हैं। वह प्रतिदिन अलग अलग बच्चे स्कूल की क्लास में झाड़ू लगाते हैं। बोलो तो कह रहे सबसे नंबर लगते ही हैं सफाई। ललितपुर जिले के थानापुरा कला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उगरपुर में प्रधानपति द्वारा कीटनाशक पदार्थ पीने का मामला किसान यूनियन के नेता रंजीत यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर जिलाधिकारी को निष्पक्ष जांच हेतु ज्ञापन सौंपा। जी, मैं रंजीत यादव, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जैसा कि आपको व्हाट्सएप और मीडिया के अनुसार जो हमें जानकारी हुई है कि हमारे तहसील अध्यक्ष तालवेट ने एक वीडियो वायरल किया, उसके उपरांत कुछ जहर का सेवन कर लिया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो काफ़ी दिनों से मानसिक पीड़ित थे। कई बार उन्होंने अपनी समस्याओं को हमें भी कहा, हमने कि भाई अपन मिलकर संघर्ष करेंगे। जैसा अभी अभी वो उगरपुर से उनकी पत्नी प्रधान है, वो प्रधानपति हैं, तो तमाम विरोधियों द्वारा झूठे आरोप लगाए, छेड़ीखानी के आरोप लगाए। आरोप में लगाया कि उनके द्वारा, उनके पुत्र, उनके भाई के द्वारा किसी बच्ची के साथ छेड़खानी की गई। प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करता, वैसे एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई पुत्र, पिता और एक भाई उसका एक साथ किसी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो भाकियू के तहसील अध्यक्ष हैं और जिला प्रशासन इसके विरोध में काम कर रहा है, जाति से यादव हैं, तो एक दोषपूर्ण तरीके से उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया। अगर जल्द ही उनके साथ न्याय नहीं मिलता है तो जिले से, हमारी समाज से, हमारे संगठन से जितने भी प्रधान साथी हैं वो जल्द माननीय राकेश टिकैत जी के सामने जिला अधिकारी महोदय के लिए अपना त्याग पत्र देंगे। उन्होंने फ़ोन के माध्यम से और जिला मुख्यालय पे मिलते रहे हम लोग कई कार्यक्रमों में, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब मानसिक रूप से हमें जिले के अधिकारी परेशान कर रहे हैं, झूठा दबाव बना रहे हैं, आए दिन जाँच के नाम पर पैसा मांगते हैं, झूठे लोग शिकायत करते हैं, अन्य हमें उतना सम्मान नहीं मिल रहा जितने हमारे विपक्षियों को प्रशासन सम्मान दे रहा है। तमाम तरह की बातें बताई। जैसा मैं जानता हूँ रामकिशन के बारे में, तो वो 15-20 साल से हमारे संगठन से जुड़े हैं, हमारे तहसील अध्यक्ष हैं। गरीब कमजोर वर्ग की, किसानों की हमेशा वो आवाज़ उठाते चले आए हैं। यहाँ से लगाकर दिल्ली तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है किसानों की, और मजबूती के साथ कई बार बीमा और तमाम चीज़ें दिलाने का भी तहसील तालवेट तहसील के किसानों का काम किया है। जिले के किसानों के लिए भी हमेशा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, नेचर भी उनका ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो निर्दोष हैं। बिल्कुल ये प्रधानी चुनाव की रंजिश है और लगातार जो विपक्ष के लोग होते हैं उनके मेंबर भी अधिकांश होते हैं और वो प्रधानों पर दबाव बनाते हैं। कई छोटे छोटे पत्रकार भी हैं जो दबाव बनाते हैं। यह कि हमारे कप्तान साहब और जिलाधिकारी महोदय माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इस मामले को संज्ञान में लेंगे और हमारे भाई को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग एक विशाल आंदोलन जनपद में करेंगे जो माननीय टिकैत जी के नेतृत्व में होगा और जिसमें करीब करीब 0.25% प्रधान इसमें इस्तीफा देंगे।